दोस्तों अक्सर आपके साथ भी मेरी तरह ऐसा होता होगा कि जब आप कोई गाड़ी अपनी GTA 5 में स्पॉन करते होगी तो इनवेलिड मॉडल का एरर आता होगा और खास करके ये एरर ला फरारी में जरूर आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लाया हूँ और इसके अलावा आज मैं आपको फरारी की ला फरारी भी अपनी GTA 5 में इंस्टॉल करना सिखाने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके GTA 5 में ये एरर ना आए और इसके अलावा ला फरारी इंस्टॉल करिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से फर्स्ट लिंक ला फरारी की होगी, तो इसे ओपन करना। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना। अभी ये सेकंड लिंक मीडिया फायर वाली ओपन हो जाएगी। 2015 फरारी ला फरारी HQ रीमेक पर सिंपली टैप करना तो आपका ये मोड डाउनलोड हो जाएगा। वेल तो दोस्तों हमने फरारी का मोड डाउनलोड कर लिया है। अभी आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सेकंड लिंक को ओपन करना। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना। फिर से डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये एडोन स्पॉनर वाला मोड भी अपना डाउनलोड हो जाएगा। आज हम इसी एडोन स्पॉनर मोड से ही इनवैलिड मॉडल का एरर जो आता है ना वो फिक्स करने वाले हैं। तो अभी आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से थर्ड लिंक को ओपन करना। यहाँ पर स्क्रिप्ट V वाला लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करना, उसके बाद लास्ट में होगा डाउनलोड, तो सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना तो ये अपना स्क्रिप्ट V वाला मोड भी डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपने ऐसा कर रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फोर्थ लिंक स्क्रिप्ट V.net वाली को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपने फुल स्क्रॉल डाउन करके स्क्रिप्ट V.net वाली ज़िप फाइल पर क्लिक कर रहे हैं तो ये मोड भी अपना डाउनलोड हो जाएगा। वेल तो हमने सारे मोड्स अपने डाउनलोड कर लिए हैं। अभी बार ये इनको अपने GTA 5 में इंस्टॉल करने की, तो जल्दी से चलते हैं डेस्कटॉप पर एंड अपने GTA 5 में ये मोड्स इंस्टॉल करते हैं। ओके तो दोस्तों अभी हमने सारे मोड्स डाउनलोड कर लेने के बाद हमने इनको सिलेक्ट करके सिंपली राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ईच अचीव टू सेपरेट फोल्डर पर क्लिक करना है, जिससे अपने ये सारे मोड्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ हमने ऐसा कर रहे हैं कि अभी GTA 5 की आइकन पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन में आ जाएंगे, जिससे अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्ट्री ओपन हो जाएगी। नाउ हमने ऐसा कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट V.net वाला फोल्डर ओपन कर रहे हैं एंड यहाँ से लास्ट वाले जो 6 फाइल्स हैं इनको सिंपली हम ड्रैग करके अपनी GTA की मेन डायरेक्ट्री में ड्रॉप कर लेंगे। अभी एक बार बैक आ जाएंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट V वाले फोल्डर में चले जाएंगे, बैक के फोल्डर में जाएंगे एंड यहाँ से फर्स्ट वाले को अपनी GTA की मेन डायरेक्ट्री में एंड थर्ड वाले इन दो फाइल्स को अपनी GTA की मेन डायरेक्ट्री में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। नाउ हमने बैक आ जाना है, उसके बाद फिर से बैक आ जाएंगे एंड यहाँ पर फर्स्ट वाला एरोन स्पॉनर वाला फोल्डर ओपन करेंगे एंड यहाँ से फर्स्ट वाले दो फाइल्स को सिंपली हम ड्रैग करके ड्रॉप कर लेंगे अपनी GTA की मेन डायरेक्टरी में। अभी आपने ऐसा करना है कि GTA की मेन डायरेक्टरी को कट कर लेना है। यहाँ पर आपने ना अपना OpenIV ओपन कर लेना है। ओके तो अपना OpenIV ओपन हो चुका है, तो सिंपली यह F6 बटन प्रेस करके हम एडिट मोड को एनेबल कर लेंगे। नाउ हमने ऐसा कर रहे हैं कि बैक आ जाएंगे, फरारी के फोल्डर में चले जाएंगे, इसके बाद यहाँ OpenIV के मोड्स वाले फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद अपडेट में X64 DLC पिंग्स एंड यहाँ पर Wins 1-2-3 वाला फोल्डर है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अभी आपने रीडमी टेक्स्ट वाले फाइल को ओपन करके यहाँ पर आपको एक लाइन दिखेगी, यहाँ थोड़ा राइट में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको लाइन दिखेगी। ये लाइन सिंपली सिलेक्ट करके अपने माउस की मदद से इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेनी है। इसको कट कर लेंगे, इसको भी कट कर लेंगे। अभी हम GTA की मेन डायरेक्टरी में आ जाएंगे, मोड्स के पोलर में चले जाएंगे, अपडेट में जाएंगे, update.rpm कॉमन डेटा, उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके DLCList.xml वाले फाइल पर राइट क्लिक करके एडिट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में एक क्लिक करेंगे, उसके बाद एक बार इंटर प्रेस करके यहाँ पर राइट क्लिक करके अपनी लाइन को पेस्ट कर लेंगे। नाउ आपने सिंपली सेव पर क्लिक करके इसको कट करके अपनी GTA 5 ओपन कर लेनी है। ओके तो दोस्तों गेम ओपन करने के बाद अपने अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन करके व्हीकल ऑप्शंस में जाना है, उसके बाद व्हीकल स्पॉनर में जाकर बिल्कुल लास्ट में इनपुट मॉडल में लिखना है Wins 1-2-3, इसके बाद एंटर करोगे तो अभी भी एरर इनवैलिड मॉडल आ रहा है। तो अभी आपने ऐसा करना है कि F5 बटन प्रेस करके एडोन स्पॉनर वाला मेन्यू ओपन कर लेना है।
यहाँ पर आपने सर्च व्हीकल्स में चलाएंगे, उसके बाद सर्च इधर में आपने राइट एरो वाले बटन से एडोड व्हीकल्स के सेक्शन में आ जाएंगे। इधर यहाँ पर आपको देखेगी गिरोटी टूरिस्मो आर, जैसे इस पर आप एंटर करोगे तब भी फरारी की ला फरारी स्पॉन हो जाएगी। मेरे अपने जी टी एफ आई में टोयोटा रिवो, लैंड क्रूजर एंड फॉर्चूनर एंड इसके अलावा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की कार इंस्टॉल करेंगे तभी ये ऊपर में इनके नेम आ रहे हैं। आपके पास ये नहीं आएंगे तो आप अपने जी टी एफ आई में सिर्फ फरारी के ला फरारी ही स्पॉट कर लेना। अभी मैं इसको आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। सिंपली F8 बटन प्रेस करके अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन कर लेंगे, उसके बाद व्हीकल ऑप्शंस में चले जाएंगे, मेन्यू कस्टम्स में जाएंगे। फर्स्ट तो हमने पेंट में जाकर प्राइमरी कलर में जाना है, उसके बाद यहाँ मेटेलिक में जाकर आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे अपनी फरारी की लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। अभी अपने बैक का जगह बम्पर वाले सेक्शन में चले जाएँ, उसके बाद आप यहाँ पर बम्पर को भी अपग्रेड कर सकते हो, फेंडर्स को भी अपने अपग्रेड कर लेना, सस्पेंशन में भी आप अपग्रेड कर देना। इसके बाद नियॉन लाइट में आ जाना, यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस को हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेट कलर में जाकर यहाँ पर आपने रेड कलर रख लेना है, जिससे आपकी फरारी के नीचे जो लाइट है ना वो रेड कलर की निकलेगी। अभी आपने बैक आ जाकर विंडोज में ब्लैक कलर रख लेना है। इसके बाद कस्टमाइज लाइसेंस प्लेट पर एंटर करके यहाँ पर जो नेम लिखा है इसको कट करके एक बार स्पेस वाला बटन प्रेस करके एंटर करेंगे तो अपनी नंबर प्लेट भी फुल क्लियर साफ हो जाएगी। वेल तो दोस्तों अपना प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। अगर आप अपनी GTA 5 में प्रोटोकॉल मॉड इंस्टॉल करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो में आ जाओ। बाकी अगर आप अपनी GTA 5 में टेक्नो गेमर्स की तरह स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो में आ जाओ, हम वही मिलेंगे।